आज सबने कुछ अलग और नया खाने की फरमाइश की तो मैंने सोयाबीन की बिल्कुल अलग और नई रेसिपी बनाई। सब खाने के बाद इसे दोबारा बनाने की मांग करी क्योंकि सबको बहुत ही पसंद आई। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने ली थी बीन्स, मैंने 250 ग्राम के करीब ना फलियां ली थी, अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको हमने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है, लेकिन वॉश करने के बाद ही काटा है। इसकी थोड़ी थोड़ी साइडें हटा दी थी और ये बिल्कुल कच्ची फली है। और उसके साथ ही हमने 100 ग्राम ली है न्यूट्रेला, जिससे सोयाबीन की वड़ी, सोयाबीन, और इसको भी ना हमने ना गर्म पानी में 2 मिनट के लिए उबाल लिया था, फिर उसको ठंडा करके हल्का हल्का निचोड़ लिया है। हमने कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसको हमने गर्म कर लेना है। जैसे गर्म हो जाएगा 1 टीस्पून डाल देते हैं काली वाली सरसों, और 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। 2 चुटकी के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 कलियां लहसुन भी ली थी, इसको छीलने के बाद छोटा छोटा काट दिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा चला दें। साइज की प्याज को मैंने पतला और लंबा काट लिया है। जब हम प्याज का व्हाइट वाला भाग हटा देते हैं ना, तो प्याज जब हम इसको भुनेंगे तो ये देखिए ये अपने आप खुलती जाएगी। इसको हमने पहले 2 मिनट के लिए भुनना है। देखिए अभी हमने 2 मिनट भुना है क्योंकि हम इसको फलियों के साथ ही भुनेंगे, हमें अलग से फलियों को सौते करके नहीं डालना पड़ेगा। देखिए पहले 1 से 2 मिनट तक इसको हमने भून लेना है प्याज के साथ ही। देखिए 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। देखिए नमक आप स्वाद अनुसार डालें, इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए अब गैस को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको ढककर पकाना है। देखिए हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया है 5-7 मिनट तक, जब तक थोड़ी सी ना ये फलियां सॉफ्ट हो जाएंगी तब तक पकाना है, लेकिन 2 बारी बीच में चला जरूर दें। देखिए इससे ना 5-7 मिनट हो गए हैं कम गैस पे पकते हुए, लेकिन 2-3 बारी इसको हमने चला दिया था, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारी फलियाँ हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं और प्याज भी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब डालेंगे कुछ और मसाले, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ, आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसमें मैं जो डालूंगी वो डालूंगी चिली फ्लेक्स। ये जो चिली फ्लेक्स है ये मैंने घर में ही बनाए हैं। मैंने थोड़ी सी सूखी लाल मिर्ची ली थी कम तीखी वाली, उनको ना माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट तक चलाने के बाद रुक रुक के मिक्सी चलाई और ये मैंने घर में बना लिया। 1/2 टीस्पून के करीब ही मैंने डाली है मिर्ची, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इन्हें मिक्स कर दें। अब इसमें हम सोयाबीन भी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए 4-5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम और ढक देते हैं, जो सोयाबीन है ना उसमें भी मसाला अच्छे से चला जाए, एक बार जरूर चला दें। 4-5 मिनट हो गए हैं, बीच में हमने 2 बार चलाया इसको क्योंकि हमने बिल्कुल बिना पानी के बनाई है। अच्छे से पहले चला दें। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही मैं इसमें अमचूर डाल रही हूँ और खूब सारा डाल रही हूँ मैं इसमें हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर दें। अब गैस को बंद कर देंगे। ये बनकर तैयार है। देखिए वैसे तो हमने फलियों को बहुत अच्छे से पकाया है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत क्रंच रह भी जाता है आपसे तब भी ये बहुत टेस्टी लगेंगी। आप इसे जो ट्राई करें, जैसे आप चपाती परांठे के साथ भी खा सकते हैं,
जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।